फ्रेंड्स, आपके फेवरेट चैनल एबीसी क्राफ्ट पर मैं अरुणा आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और बेल के बटन को दबाना न भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। अब आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है तो क्यों ना आज के वीडियो में हम एक आरती की थाली बनाएं, कुछ अपने ही अंदाज में बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आरती की थाली बनाना। दोस्तों, थाली शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप मेरा वीडियो पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि मैं एंड तक आपको बताऊंगी हम इस थाली में क्या क्या यूज करेंगे और जो भी हम मटेरियल इसमें यूज करेंगे उसकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक साथ मिल जाएगी। देखिए, मैं कई बार सामान बता देती हूँ और कई बार नहीं यूज में आता है क्योंकि लगाने के बाद लगता है कि नहीं, ये जम नहीं रहा है या ये अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं साथ साथ बनाती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी कि क्या क्या हम इसमें और इस्तेमाल कर सकते हैं आरती की थाली में। इसलिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप पूरा वीडियो मेरा देखें। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ देख रहे होंगे प्लेट ली है मैंने, एक कैसी भी प्लेट, जिस प्लेट पे आप आरती की थाली बनाना चाहते हैं ऐसी प्लेट आप ले लें। जैसे मैंने स्टील की मीडियम प्लेट ली है, एकदम छोटी नहीं है, ठीक है। और साथ में मैंने देखिए पेपर लिए हैं, फैंसी पेपर से शाइनिंग वाले। अब देखिए, मेरे पास तो एक पेपर रखे थे तो मैंने पेपर ले लिए, आपके पास किसी भी तरह के पेपर हो वो ले लीजिए, जो भी कलर हो आपके पास वो ले सकते हैं। और साथ में अगर फोम शीट हो, अगर ग्लिटर फोम शीट हो तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ग्लिटर वाली मेरे पास पेपर शीट है, ठीक है, तो ये इसमें मैं पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो और कलर कॉम्बिनेशन भी आप देख रहे होंगे मैंने अपोजिट लिया है। देखिए, मैंने कहा था कुछ अलग तरीके से थाली बनानी है, तो देखिए कुछ अलग हम बनाएंगे इसे। तो दो कॉम्बिनेशन के पेपर लिए जो बिल्कुल डिफरेंट और एकदम अलग अलग हैं, अलग अलग कलर्स के लिए। अब आप इसमें अगर आपके पास में इस तरह से नहीं है दो पेपर, आप सिंगल पेपर का इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ कहना यह चाहूंगी आपके पास जो भी मटेरियल हो आप उसी का इस्तेमाल कीजिएगा। आपको नहीं मिल रहा तो ऐसा ना हो कि आप थाली बना ना पाए, आपके पास में जैसा चीजें हैं उसी के साथ आप शुरू कीजिएगा, ठीक है। तो करना क्या है, हमें सबसे पहले हमें ये थाली पर चिपकाना होगा पेपर को, पूरे दो कलर के पेपर को हम इस पर पूरा चिपका के इस तरह से हाफ एंड हाफ में पूरा चिपका के इसे रेडी रखेंगे हम अंदर से। अब देखिए, आप ग्लू की हेल्प से लगा सकते हैं, फेविकॉल की हेल्प से लगा सकते हैं, और अगर आपके पास स्टिकिंग वाला पेपर है, जैसे कि ये मेरा पेपर की मैं निकालूंगी तो ये पेपर ऑटोमेटिक चिपक भी जाएगा, अगर वैसा पेपर है आपके पास में तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे चाहे वैसे आप इसको चिपका सकते हैं। तो आप ध्यान रखें, इस तरह से हम हाफ हाफ पेपर थाली पे पूरा चिपका कर रेडी करेंगे। देखिए, हमारी प्लेट पर हमने पेपर को लगा लिया है, आप देख रहे होंगे किस तरह से हमने हाफ हाफ में पेपर लगाया है और साइड में से हमने चिपका दिया, एक्स्ट्रा पेपर हमने कटिंग कर दिया है। अब हमें क्या चाहिए इस पर लगाने के लिए, मिरर शीट। देखिए, इस तरह की मिरर शीट आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। ये देखिए, एकदम बिल्कुल कांच का टुकड़ा लग रहा है, और अगर कोई कांच की शीट आपके पास में पड़ी हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे इसमें राउंड हो चाहे स्क्वायर हो, किसी भी तरह का आप ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह की हमने एक मिरर शीट लेनी है। अब देखिए, अगर आपके पास में मिरर शीट नहीं है और आप सोच रहे होंगे कि ये टाइम पे मुझे मिलेगी भी नहीं, तो दूसरा ऑप्शन है माउंट बोर्ड का। माउंट बोर्ड ले लीजिए, माउंट बोर्ड पर हमने जैसे कि ये दो ब्लू पिंक लगाया है, आप तीसरा कोई कलर ले लीजिए, जो आपके पास में तीसरे कलर का पेपर हो वो तीसरे कलर का पेपर आप लीजिए और इस पर चिपका दीजिए, माउंट बोर्ड पर, मिरर शीट पर नहीं, माउंट बोर्ड पर। अगर मिरर शीट नहीं मिल रही है तो माउंट बोर्ड पर आपने उसे चिपकाना है और पूरा फिनिशिंग के साथ चिपका के उसे तैयार करना है। अब हम करेंगे क्या, ये जो शीट है इसे हम हमारी प्लेट के सेंटर में लगाएंगे इस तरह से। देखिए, लगाने से पहले आप सेंटर देख लें, पकड़ के आप मार्किंग ले लें। ये देखिए, जैसे मेरा सेंटर मुझे अंदाजे से लग रहा है, अब मैं यहां से पकड़ के इसे पूरा मार्किंग ले लेती हूँ कि मेरी लगाते समय शीट हिले नहीं, और इसे पूरा इस पर चिपका देंगे। देखिए, कोशिश कीजिएगा कोई मिरर की शीट अगर आपको मिल जाए तो बहुत सुंदर लगेगा, और नहीं भी मिल रही है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप माउंट बोर्ड पे से बनाइएगा तो भी प्लेट बहुत सुंदर बनेगी। ये देखिए दोस्तों, अब हमारी शीट यहाँ पर चिपक कर रेडी हो गई है। देखिए, मैंने पेपर इसलिए लगाया है क्योंकि मिरर शीट है, हाथ लगते हैं खराब हो जाती है, इसलिए मैंने एक पेपर का टुकड़ा इस पर लगा रखा है ताकि खराब नहीं हो शीट, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो साइड का हिस्सा है उस पर आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने अलग अलग शेप के छोटे छोटे मिरर की कटिंग आती है वो रख रखी है, इंच शेप की है, स्क्वायर शेप की है, राउंड शेप में है। और कहने का ये मतलब है आपके पास में जितनी भी बची खुची इस तरह की कोई चीजें हैं, कांच के टुकड़े हैं अलग अलग शेप एंड साइज के, आप वो मिक्स मैच में से पूरा यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें करूंगी अभी,
कि मेरे पास 3 शेप के टुकड़े रखे हुए हैं मिरर के छोटे छोटे, अब मैं इन तीनों को मिक्स करके पूरी प्लेट पे लगाऊंगी। लगाना कैसे है, फेविकोल लेंगे हम, और देखिए एक शेप जो आपके पास में है, अगर आपके पास में अलग अलग शेप है पूरे में मिक्स करना है तो पहले कोई भी एक शेप ले लीजिए, जैसे कि मैं चलो ये शेप ले लेती हूँ, बर्फी शेप है ये हमारे पास में, ठीक है। अब इसे जो साइड्स देख रहे हैं आप प्लेट्स का, जो जहाँ हमने मिरर शीट लगाई थी वो, और बचा हुआ पेपर का जो साइड देख रहे हैं, यहाँ हमने पूरे चारों तरफ रैंडमली लगाने हैं। हम फेविकोल के इस तरह से टच दे देंगे, सबसे पहले देखिए एक कलर का लगाना है, रैंडमली लगा दें, कोई इसमें ये नहीं है कि हमने कोई सीक्वेंस से गए हैं या कुछ, और अच्छे से लगा दें। देखिए कम लग रहा है मुझे थोड़ा सा, थोड़ा और अच्छे से, ताकि मिरर की शीट जो ये मिरर के छोटे छोटे टुकड़े लगाए ना वो निकले नहीं। जैसे तैसे लगा देने, कोई वहां पे हमने देखना नहीं है कि सीधा लगा रहे हैं, मतलब कोई शेप लगा रही है उसमें हमने फ्लावर बनाना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बस अपने फैब्रिक को लगाना है और इसे चिपका देना है, बस। ये देखिए आप देख रहे हैं किस तरह से मैंने इसको लगाया है, ये देखिए इस तरह से हमने इसे लगा दिया। अब दूसरी शेप, चलिए मेरे पास में राउंड है, मैं इतने हिस्से में आपको भी लगा के दिखा देती हूँ। कहने का मतलब है पूरा हमने भर देना है, बची हुई जो थोड़ी बहुत जगह दिखेगी वो नीचे हमारे पेपर का कलर दिखेगा। यहाँ हमने ये लगा दिया, कुछ हम स्क्वायर के टुकड़े भी लगा के आपको दिखा देते हैं। पूरा फिल कर देना है पास पास में जगह है जितनी भी, कोशिश करके हमने फिल कर देनी है यहाँ पर। लगा देते हैं। अब आप देखिएगा लास्ट में जब आपका जो जगह बचे उसमें वैसे ही शेप एंड साइज का उसमें फिट कर दीजिए। अब आप देखिए मैंने किस तरह से लगाया है, इसी तरह से हमने और पास पास में, ये थोड़ा दूर है और जितना नियर हो सके, ये जगह भी फिल करने की कोशिश करेंगे, जितनी पास पास हम लगा सकते हैं उतने पास पास में हम इसे चिपका कर पूरा भर देंगे, ताकि हमारा जो इसका कलर है, पेपर का कलर है, थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं से दिखाई देता रहे। ये देखिए और भी मैंने पास पास में भरा, ये जो खाली जगह दिख रही है वो भी फिल करनी है। इस तरह से चारों तरफ से हमने पूरा फिल करना है, जो भी हमारे पास में कांच के बचे कुचे टुकड़े हैं वो लेंगे हम और उससे पूरा फिल करके इसे तैयार करेंगे। ये देखिए हमारी पूरी प्लेट पे चारों तरफ हमने मिरर लगा दिया, आप देख रहे होंगे कितना सुंदर लग रहा है। कुछ कुछ जगह आपको अगर फेविकोल दिख रहा है तो सूख के पूरा खत्म हो जाएगा और पूरी हमारी शाइन नॉर्मल जो है वो मिल जाएगी। आप देख रहे होंगे कितनी सुंदर लगने लग रही है इतने से ही प्लेट। अब हमें क्या करना है, अब इसके किनारे आप देख रहे होंगे थोड़े से उखड़े उखड़े लग रहे हैं, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे फ्लावर्स, देखिए मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स लिए हैं। अब इसमें भी आपको चॉइस में दे रही हूँ, अगर आर्टिफिशियल फ्लावर्स नहीं है कोई भी लेस आप चला दीजिए, आपके पास किसी भी तरह की लेस रखी हो, ताकि हमारे बॉर्डरिंग को पूरा ये जो फिनिशिंग है वो दे सके। जैसे पेपर थोड़ा हमारा निकला हुआ है या थोड़ा पेपर आड़ा टेढ़ा हो रखा है या जो भी है, किनारा पूरा फिनिशिंग वाला हो जाए, ठीक है। अगर इस तरह के फ्लावर्स नहीं है आपके पास में
तो आपको मैंने बहुत वैरायटी के फ्लावर्स बनाना सिखाए हैं, फोम फ्लावर्स भी सिखाया है, सैटन रिबिन से फ्लावर बनाना सिखाया है, आपके पास में जो भी मटेरियल हो, पेपर हो, पेपर के फ्लावर बना सकते हैं आप। बहुत वैरायटी के मैंने आपको फ्लावर्स बनाने सिखाए हैं, आप उस तरह के फ्लावर्स बना के भी यहाँ लगा सकते हैं, लेस लगा सकते हैं, मोती की लाइन लगा सकते हैं, कुछ नहीं होता आप स्टोन की लाइन लगा सकते हैं। देखिए मैंने ढेरों ऑप्शन दिए आपको यहाँ पे किनारी बनाने के लिए, ठीक है। हम ये फ्लावर्स से लगाएंगे, तो हम कैसे लगाएंगे, किनारे पे, पूरे किनारे पे हम इस तरह से लगाएंगे। पहले तो ग्लू को खूब अच्छा हम गर्म करेंगे, ये देखिए एकदम तेज गर्म ग्लू हो जाएगा, उस पर हमें इस तरह से फ्लावर्स लगाएंगे। किनारे पे हमें लगाना है, प्लेट की हमारी शो नहीं जानी चाहिए, इस तरीके से हम लगाएंगे और किनारा पूरा कवर हो जाए। वैसे देखिए गरम है ग्लू, ध्यान से कीजिए, हाथ में लगने का बहुत डर रहता है। ये देखिए इस तरह से हमने पूरी प्लेट में राउंड में लगाना है और हमारे किनारों को हमने छुपा देना है। छोटे छोटे फ्लावर्स होंगे तो छोटे छोटे फ्लावर्स, हम इससे भी छोटे फ्लावर्स होंगे तो वो भी हम इसमें लगा सकते हैं। ये देखिए पूरे फ्लावर लग के हमारी प्लेट रेडी हो गई, बहुत ही सुंदर लग रही। फाइनली अब आप देखिए एक बड़ा सा मैंने फ्लावर लिया हुआ है, सिल्वर फ्लावर है, बड़ा सा आर्टिफिशियल फ्लावर है, उसे मैंने पेपर हटा के इसके सेंटर में लगाना है। खूब अच्छे से इसे सेंटर में चिपका देंगे हम। इस तरह से देखिए खूब अच्छे से हमने ग्लू लिया इसे। और सेंटर में से पूरा हमने इसे चिपका दिया है। अब देखिए दीवा हमें रखना है, कहीं फ्लावर पे हिल ना जाए, इसके लिए देखिए एक छोटी सी मिरर शीट मैंने ली है, कोई भी शीट, माउंट बोर्ड भी चलेगा, जैसे मेरे पास में ये रखी थी तो मैंने ले ली है। अच्छे से इस पर भी ग्लू लगाएंगे और इसे इसके सेंटर में हम चिपका देंगे ताकि जब हम हमारा दिया रखें तो दिया हिले नहीं, सेट हो जाए। और चाहे तो आप दिया भी इस पर चिपका सकते हैं, लेकिन रीयूज़ करना है तो हम बार बार, चिपका हुआ दिया भी निकल जाएगा, रीयूज़ करना है तो रीयूज़ भी कर सकते हैं। और ये पूरी प्लेट हमारी रीयूजेबल है, देखिए इसमें कहीं से भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो निकल के जाएगी और पूरा ख़राब होगी, ऐसी कुछ भी नहीं है इसमें। और ये देखिए हमने यहाँ पर सेंटर पर लगा दिया दिया, अब ये देखिए हमारी प्लेट हो गई पूरी तरह से रेडी हो गई हमारी प्लेट, सिंपल आरती के लिए हमारी प्लेट। अब आप देख रहे होंगे कितनी सुंदर लग रही है, कॉम्बिनेशन हमने एकदम अलग लिया है, चीजें बहुत साधारण घरेलू लिए। देखिए अगर आपके पास में इस तरह के फ्लावर नहीं है, कोई बड़ा फ्लावर आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं है लगाने के लिए, आप इसी फ्लावर का घेरा बना के लगा दीजिए, जो फ्लावर आप किनारे पे लगा रहे हैं उसका घेरा बना के लगा दीजिए। अगर आप फ्लावर नहीं यूज कर रहे हैं, स्टोन की लाइन करें तो आप स्टोन लाइन घुमा दीजिए, और अगर लेस यूज करें तो लेस की लाइन आप साथ में यहाँ पे लगा सकते हैं ताकि ये सेंटर भी हमारा हाईलाइट हो सके। जरूरी नहीं है कि जो सामान मैं दिखा रही हूँ वो ही आप लाएं और बनाएं, आपके पास में जो सामान है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास में इस तरह से अलग अलग शेप और साइज की अगर मिरर नहीं है, एक सिंपल एक ही शेप के, तो आप उसका भी इस्तेमाल करके इसमें लगा सकते हैं। देखिए मैंने आज की प्लेट में हर सब्स्टिट्यूट आपको दिया है हर चीज का, प्लेट के एक खाली स्टील की प्लेट वो तो हर जगह हर किसी के पास मिल जाएगी। अगर आप उसका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो थर्माकोल ले लीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग से मैं सारे सब्स्टिट्यूट आपको बताती हूँ, प्लेट का मैंने थर्माकोल बताया है, ठीक है। और उसके बाद में पेपर, पेपर तो आप कैसा भी ले सकते हैं, बहुत वैरायटी के पेपर आते हैं वो आप लगा सकते हैं। अगर आपको पेपर नहीं लगाना है तो थाली को आप पेंट कर लीजिए, मैंने थाली पेंट करना भी सिखाया है, साथ में उस पर वार्निश मार दीजिए ताकि पेंट निकले नहीं, ठीक है। अगर पेंट भी हम डबल कलर में कर सकते हैं जिस तरह से आप, मैंने पेपर लगाया है, ठीक है। इसका सब्स्टिट्यूट मैंने आपको बताया ही है जो भी है। सेंटर में हमारे जो मैंने मिरर शीट लगाई है उसके बदले माउंट बोर्ड शीट आप यूज कर सकते हैं, या वुडन की कोई शीट पड़ी हो आपके पास वो यूज कर सकते हैं, मिरर की कोई शीट पड़ी हो वो यूज कर सकते हैं, जो आपके पास में सामान है वो यूज करके बना सकते हैं। साथ साथ में फ्लावर की जगह मैंने ढेर सारे लेस है, स्टोन चेन है, डायमंड है, जो भी आपके पास में सामान है उसके साथ ही से बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर और आसान तरीके से देखिए आज हमने एकदम यूनिक प्लेट बनाई। देखिए मैंने चिपकाया नहीं, टेढ़ा किया तो गिर गया है, सीधी रखेंगे तो नहीं गिरेगा।
करती हूँ कि ये फेस्टिवल में आप इस तरह की थाली है, और भी मैंने बहुत तरह की थालियाँ दिखाई, उसमें से आइडिया लेके आप अपनी तरह की कोई भी नई थाली आप जरूर क्रिएट करेंगे और जरूर बनाएंगे। अगर आप कोई भी तरह की थालियाँ बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो प्लीज़ मुझे दिखाइए, मेरे मेल ईमेल आईडी पे सेंड कर दीजिए, ताकि मैं वो आपको दिखा सकूँ, मेरी टाइमलाइन पे दिखा सकूँ। मैं आगे चल के वीडियोज़ में आपकी क्रिएशन भी और दिखाऊंगी। अगर आप बनाते हैं तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ और लेके, तब तक के लिए बाय।